का बी नंबर देखो, पी वाई एक बहुपद दिया है और जी वाई एक बहुपद दिया है, पी वाई को जी वाई से भाग देने पर भागफल और शेषफल दोनों बताना है। वाई प्लस वन यहाँ लिख दो, जी वाई है और यह पी वाई है, वाई का पावर फोर प्लस वन। चलिए कितना बार में ले जाएंगे, वाई क्यूब बार में ले जाना होगा ना, तभी ना गुना करने पर वाई का पावर फोर आ जाएगा, और वन में करेंगे वाई क्यूब से तो वाई क्यूब। ठीक है, चलिए साइन बदलते हैं, माइनस माइनस यह कट जाएगा, माइनस का वाई क्यूब प्लस का वन, कितना बार में ले जाना होगा तो माइनस का वाई स्क्वायर से ले जाएंगे इसमें, तो आपका आ जाएगा माइनस का वाई क्यूब और वन में करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर। चलिए यहाँ साइन बदलते हैं, प्लस प्लस यह कट जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वन, कितना बार में ले जाना होगा तो प्लस का वाई बार में ले जाएंगे, तो आपका आ जाएगा वाई में वाई से वाई स्क्वायर और वाई में वन से तो वाई। यहाँ पे साइन बदलो, माइनस माइनस यह कट गया, यहाँ आ गया माइनस का वाई, माइनस का वाई और प्लस का वन, अब कितना बार में ले जाना होगा तो माइनस वन बार में ले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का वाई और वन में माइनस वन से करेंगे तो माइनस का वन। यहाँ साइन बदलते हैं, प्लस प्लस ये कट गया, या माइनस हट गया, यहाँ से ये प्लस आ गया तो वन वन टू हो गया। तो यहाँ से अगर भागफल पूछे तो भागफल जो है आपका, भागफल वो आ गया वाई क्यूब माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का वन, और शेषफल जो है, शेषफल जो है, शेषफल वह आपका टू आ गया। समझ गए, चलिए क्वेश्चन नंबर